हेलो गाइस, दिस इज इंद्रजीत चौबे एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस, आज हम लोग डिस्कस करेंगे एक स्टार्टअप बिजनेस की बुक के बारे में, जिसका नाम है बिफोर यू स्टार्टअप बाय पंकज गोयल। पंकज गोयल एक ऑथर, बिजनेस लीडर एंड स्ट्रेटेजिस्ट हैं। गाइस, मार्केट में अभी स्टार्टअप की ट्रेंड चल रहा है। आपको पूछने पर मैक्सिमम लोगों की सेम रिस्पॉन्स मिलेगा कि मैं स्टार्टअप की तैयारी कर रहा हूँ। लेकिन हम सबकी एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, हम सब लोग मीडिया में कोई भी सक्सेस एंटरप्रेन्योर की लाइफ को देख के इन्फ्लुएंस हो जाते हैं और हमें लगता है कि एंटरप्रेन्योर लाइफ बहुत ही अट्रैक्टिव है। क्या आप भी एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी को स्टार्ट करने के लिए प्लानिंग कर रहे हैं? लेकिन क्या आपने वो सब कुछ प्लान किया है जो इस जर्नी को स्टार्ट करने से पहले ज़रूरी है? ऐसे बहुत सारे एफर्ट एंड काम हैं जो पर्दे के पीछे किया जा रहा है और वो एक्चुअल में आप और हम तक पहुंचता ही नहीं है। स्टार्टअप मतलब हमारे दिमाग के अंदर एक कलरफुल बुक की तरह रिप्रेजेंट करती है, लेकिन 90% चीज़ें हैं जो हमसे छुपाया जा रहा है। अगर इंडिया में एवरेज 100 स्टार्टअप स्टार्ट होते हैं तो उनमें से एवरेज 99 फेल होते हैं और सिर्फ एक सक्सेस होता है। लेकिन ये 99 फेल क्यों होता है, इसके बारे में कोई नहीं बात करता है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने टोटल मोस्ट पॉपुलर 150 कंपनी को लेके एक रिसर्च करने के बाद उन्होंने मोस्ट कुछ कॉमन रीज़न मिला जिसकी वजह से हर कंपनी फेल होता है। पहला रीज़न है आपकी प्रोडक्ट में कुछ प्रॉब्लम है। नंबर 2, आपके कंपटीशन से आपका बिजनेस मार खा रहा है। नंबर 3, लीगल सिस्टम से आपके बिजनेस को चलाने में दिक्कत हो रहा है। नंबर 4, स्टार्टअप में कैश की बहुत बड़ा रोल होता है जो आप मेंटेन नहीं कर पा रहे। और 5th रीज़न है, स्टार्टअप में आपकी टीम बहुत स्किलफुल होना चाहिए जो आपके पास नहीं है। अब हम सब डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेवल के बारे में, मतलब जब आपकी स्टार्टअप इनिशियल फेजेस पे है। इस फेज पे आपको सब कुछ अडॉप्ट करना होगा, लाइक लोन के चक्कर में बैंक आपको पागल बना देगा, लाइफस्टाइल की धज्जियां उड़ जाएगी, पर्सनल एंड अननेसेसरी सोशल कमिटमेंट से आपको पीछे हटना होगा। और लास्ट जो पॉइंट है वो ऑलमोस्ट सबके साथ होते हैं, जो आपके पड़ोसी को सक्सेस को लेके आपका घर वाले आपको हमेशा टॉर्चर करते रहेगा। वेल, इस बुक ने कुछ बहुत ही कॉमन अप्रोच है जिसे हमें अपने स्टार्टअप को शुरू करने से पहले उसे क्लियर करना होगा। नंबर 1, अंडरस्टैंड योर व्हाई। हम सबकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, 100 में से 98% पीपल जानता ही नहीं है कि वो क्यों बिजनेस को स्टार्ट कर रहा है। इसीलिए हर एक साल के अंदर मैक्सिमम लोगों की इंटरेस्ट खत्म हो जाता है। स्टार्टअप को शुरू करने से पहले ये अच्छे से आपको क्लियर करना होगा कि एंटरप्रेन्योरशिप लाइफ एक मैराथन है, कोई रेस नहीं। आपके पास एक हमेशा बड़ा व्हाई होना चाहिए, इससे आपको लाइफ के वॉर में सस्टेन करने में एंड बिजनेस में कोई भी हार्ड डिसीजन को लेने में हेल्प मिलेगी। एंड आपकी व्हाई की वजह से आपके टीम मेंबर को भी अपने गोल तक पहुँचने में मोटिवेट करता रहेगा। तो स्टार्टअप से पहले पेन वर्सेस गेन की इक्वेशन को आपको अच्छे से समझना होगा। रूल नंबर 2, हाउ टू जनरेट बिजनेस आइडिया। सिंपल लैंग्वेज में बिजनेस आइडिया एक प्रॉब्लम की सॉल्यूशन है। जब आप बिजनेस आइडिया के बारे में सोचते हैं तब आपको पहले अपने प्रॉब्लम को फाइंड आउट करना होगा, देन सॉल्यूशन को। कुछ कॉमन प्रॉब्लम है जो हम सब फेस करते हैं। तो नंबर 1, आपके डेली लाइफ के प्रॉब्लम जो आपको डेली फेस करना पड़ता है। नंबर 2, आपके वर्क प्लेस एंड हॉबीज पे फेस करने वाली प्रॉब्लम को। और नंबर 3, लेटेस्ट ट्रेंड पर चलने वाली कंपनियों पे क्रिएट होने वाली हर प्रॉब्लम्स। पहला स्टेप है कस्टमर को आपके प्रोडक्ट से अट्रैक्ट करवाना, फिर कस्टमर की प्रॉब्लम को समझना होगा, देन आपको ये फील करना होगा कि कस्टमर क्या सोच रहा है और उन्हें क्या चाहिए, देन आपको ये फाइंड आउट करना होगा कि आप अपने कंपटीटर से अपने कस्टमर को कैसे बेटर वैल्यू प्रोवाइड कर सकें। क्या आपके ऑफरिंग किया हुआ प्रोडक्ट चीपर एंड क्वालिटी में बेस्ट है कंपेयर टू ऑल मार्केट। हमेशा कस्टमर से पोलाइटली बात करें एंड उन्हें अच्छे से समझने की कोशिश करें। कोई भी प्रोडक्ट को सेल करने के बाद उसे टाइम टू टाइम रिव्यू एंड फीडबैक ज़रूर लें। लेसन नंबर 3, हाउ टू एवोल्यूट ए बिजनेस आइडिया। मतलब जब आप किसी भी बिजनेस स्ट्रेटेजी को प्लान करते हैं तो आपके पास हमेशा ये 3 क्वेश्चन एंड उनके आंसर होना चाहिए। तो नंबर 1, क्या मैं अपने फर्स्ट 100 कस्टमर की आइडेंटिफाई करके उन्हें प्रॉफिटेबली सर्व कर सकता हूँ? नंबर 2, जो मैं बिजनेस प्लान किया हूँ वो आइडिया रियलिटी में बिजनेस को चलाने में हेल्प होगा? नंबर 3, क्या वो आइडिया मेरे लाइफ के वाई के साथ अलाइन है? इस बुक के ऑथर हमेशा कहते हैं कि हमें ऑलवेज स्मॉल सेट ऑफ कस्टमर के ऊपर ज़्यादा फोकस करना चाहिए, देन उस कस्टमर की प्रॉब्लम को अपने कंपटीटर से 10 times बेटर तरीके से सॉल्व करने के ट्राई करना होगा। इस फेज पे आप अपने कस्टमर की प्रॉब्लम एंड आपके कंपटीटर के कंपैरिजन में अच्छे से सॉल्यूशन देना सीख जाएंगे।
अब आपको देखना होगा क्या आपके टारगेट कस्टमर प्रोडक्ट एंड सर्विस को खरीदना चाहते हैं या नहीं। अगर हाँ तो किस प्राइस पे। हमेशा अपनी कस्टमर के मन में क्यूरियोसिटी को इनक्रीज करते रहना चाहिए। इससे आपको कोई भी प्रोडक्ट को लॉन्च करने से पहले कस्टमर की जो एक्चुअल रिस्पॉन्स है वो पता चलेगा। फीडबैक के आधार पर कैलकुलेट करें कि कितने लोग इसे खरीदने के लिए रेडी है और अगर है तो उसे किस प्राइस पे लेना चाहता है। अब हम सब फोर्थ फेज पर एंटर कर चुके हैं। इस फेज पे आपको कैश की बहुत ज़रूरी है। नंबर वन, मिनिमम वायबल प्रोडक्ट बिल्ड करना होगा, मतलब ऑफिस रेंट, लैपटॉप, प्रिंटर एक्सपेंसेस, टीम एंड लाइसेंस आपको पे करना होगा। नंबर टू, कस्टमर की नीड को समझने में आपको सेल्समैन, इन्वेंटरी के लिए पेमेंट शेड्यूल एंड डिलीवरी बॉय के लिए कॉस्ट बियर करना होगा। और नंबर थ्री, जब आप अपने कस्टमर की बेस को एक्सपेंस कर लेंगे तो मार्केटिंग के लिए आपको सबसे ज़्यादा कॉस्ट पे करना पड़ता है। लेसन नंबर फोर, चूजिंग योर कोफाउंडर। पीटर लिंच की एक फेमस कोट है कि आप जब भी किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करेंगे तो आपको सबसे पहले किसका साथ स्टार्ट करना चाहिए ये डिसाइड करना होगा। पार्टनरशिप बिजनेस के लिए आपको ये फोर चीज़ें हैं जो ध्यान में रखना होगा। नंबर वन, क्या आपके माइंडसेट आपके पार्टनर के साथ अलाइंड है। नंबर टू, क्या आप इन सबसे प्रोफेशनल एनवायरनमेंट में काम कर सकते हैं। नंबर थ्री, क्या आपके गोल एंड मिशन उनके साथ अलाइंड है। नंबर फोर, क्या आप उन्हें बिलीव करते हैं। लेसन नंबर फाइव, द फाइनल लेग। अगर आप अच्छे से प्रीवियस फोर फेजेस को पार कर चुके हैं तो वेलकम, आप स्टार्टअप के लिए 75% फिटेड है। अब आपको आपके आइडिया को मार्केट ट्रेंड एंड स्ट्रेटजीज के साथ अटेस्टेड एंड वैलिडेट करना होगा। तो इसके लिए सबसे हमें पहले जो जरूरी है वो है सेट द टाइम फ्रेम। आपको एक फिक्स टाइम चूज करना होगा जिस टाइम पे आप अपने 1000% खुद को इन्वॉल्व कर देंगे बिजनेस को एग्जीक्यूट करने में। माइक्रोसॉफ्ट एंड एप्पल की कोफाउंडर बिल गेट एंड स्टीव जॉब्स ने स्टार्टअप के टाइम पे 16 आवर्स पर डे काम करता था। रूल नंबर टू, सेट द माइलस्टोन। आपको एक रियलिस्टिक माइलस्टोन रेडी करना होगा जिससे आपके डेली एफर्ट से मेजरिंग करने में इजी लगे कि आप अपने टारगेट के कितना पास हैं। रूल नंबर थ्री, आपको पहले अपने सराउंडिंग पे फ्रेंड सर्कल एंड रिलेटिव के साथ स्टार्टअप के प्लान, अपॉर्चुनिटी एंड प्रॉफिट के सारे चीज़ें शेयर करना होगा। क्योंकि अगर आप अपने सराउंडिंग पे अपने बिजनेस स्ट्रेटेजियों को क्लियर नहीं कर सकते तो आपके बिजनेस में इन्वेस्टर को आप कैसे कन्विंस करेंगे। रूल नंबर फोर, प्लान फॉर योर फाइनेंस, मतलब आपको अपने बिजनेस को रन करने के लिए जो एक्सपेंस होते हैं उसे पहले कैलकुलेट करना होगा। इसके अलावा कैश फ्लो के भी अच्छे से मेंटेन करना होगा ताकि इससे आपका बिजनेस की सेविंग पर कोई प्रेशर ना आए। अगर आपके अकाउंटिंग की नॉलेज नहीं है तो आपको अपने स्किल को डेवलप करना होगा। लेसन नंबर सिक्स, कट द कॉर्ड। इस स्टेज पे आपको अच्छे से प्लानिंग की ज़रूरत है। आपको अपने प्रोडक्ट, टीम, कैश, टाइम एंड खुद को लेके एक लेवल अप प्लान करना होगा। ऑथर कहते हैं कि हर गुजरते टाइम के साथ फॉरगोइंग स्ट्रेटेजी इनकम बढ़ाता रहता है, इसीलिए टाइम को एज ए लिमिटेड पूल ऑफ कैश की तरह यूज़ करना चाहिए। स्टार्टअप के पहले पहले आपका बहुत सारा काम है जो इनकम्प्लीट रहेगा, लेकिन इससे बचने के लिए प्रॉपर टाइम के साथ एक शेड्यूल बनाएं और डेडलाइन सेट करें ताकि आप अपने मंजिल को मेज़र कर पाएं। स्टार्ट के टाइम पे आपको अपने सेल्स पे अच्छे से फोकस करना चाहिए। अगर आप नहीं कर पा रहे तो एक एक्सपर्ट की रिसर्च करें। आपको हमेशा बिजनेस में रैशनल होकर डिसीजन लेना पड़ेगा। एज अ फाउंडर आपको हमेशा सोचना होगा कि आपके टीम कैसे मोटिवेट रहेगा। इसके लिए एक अच्छा कल्चर एनवायरनमेंट क्रिएट करना होगा ताकि आपके एम्प्लॉय अपना रिस्पॉन्सिबल अच्छे से लेके काम कर सके। सबसे लास्ट स्टेप है, आपको अपने कैश फ्लो को मैनेज करना होगा एंड उसके साथ अपने ब्रांड बनाना होगा और आपके बिजनेस के साथ हमेशा अपने एंड अपने हेल्थ को भी ध्यान रखना होगा। लास्ट में मैं सिर्फ इस बुक को एक सेंटेंस में अगर डिस्क्राइब करूं तो ये बुक आपको पहले से अच्छी नॉलेज के साथ बिजनेस को स्टार्ट करने में हेल्प करेगा। पहले इनिशियल स्टेज में ये सब करने में थोड़ा दिक्कत आएगा, लेकिन अगर आपके विजन, गोल, टारगेट क्लियर है तो आप इसे अच्छे से अडॉप्ट कर पाएंगे। अगर ये सब कुछ सुनने के बाद भी अभी भी स्टिल जिद पर हो फॉर स्पेंडिंग एंटरप्रेन्योर लाइफ तो कॉन्ग्रेचुलेशन, आप दुनिया के 1% लोगों में से हैं जो खुद के इनोवेशन से आप पूरे दुनिया को बदलना चाहते हैं। तो गाइज, ये था शॉर्ट समरी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करना। तो मिलते हैं अगले हफ्ते, तब तक के लिए बाय बाय।